हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं डिफेंस वेव। इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसे हल्का सा टच कर दीजिए। जैसा आप जानते हैं कि लद्दाख यूनियन टेरिटरी में भारत और चीन के बीच तनाव चरम पर है और चीनी सेना दक्षिण चीन सागर में अमेरिका और ताइवान से क्रुद्ध होकर लगातार सैन्य अभ्यास कर रही है। इसी को ध्यान में रखकर अमेरिका ने अपने सबसे उन्नत और घातक हमलावर ड्रोन MQ-9B को लद्दाख से लेकर दक्षिण चीन सागर तक तैनात कर दिया है। अमेरिका दक्षिण चीन सागर में पहले से ही MQ-9 रीपर तैनात कर रखा था तथा MQ-9B की तैनाती के बाद चीन पूरी तरह चिढ़ गया है। अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि MQ-9 रीपर को इराक, अफगानिस्तान और अफ्रीका की लड़ाइयों में पहले ही प्रयोग किया जा चुका है और अब समुद्री प्रयोग के लिए इसे और भी अपग्रेड किया गया है। आपको यह भी बता दूं कि ईरान के मेजर जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या भी इसी ड्रोन से की गई थी। उससे पहले अमेरिका ने प्रशांत महासागर में 3 सितंबर से 8 सितंबर तक एक्सरसाइज एजाइल रीपर में भाग लिया था, जिसमें यह दिखाया गया था कि MQ-9 ड्रोन रणनीतिक और समुद्री परिचालन में कैसे अवरोध उत्पन्न कर सकता है। यानी कि यदि चीन अपने किसी फ्रिगेट या पनडुब्बी को अमेरिका की ओर ले जाना चाहे तो MQ-9 ड्रोन उसे बीच में ही रोक सकता है तथा उसे अपना शिकार बना सकता है। इसी बीच भारतीय रक्षा मंत्रालय ने भी इसी तरह का 30 ड्रोन खरीदने के लिए अमेरिका से 22,000 करोड़ रुपए का समझौता किया है। यह समझौता दो भागों में किया गया है, जिसमें 6 MQ-9S ड्रोन को आपातकालीन आधार पर खरीदा जाएगा, जिसकी कीमत लगभग 4400 करोड़ रुपए होगी। इन 6 MQ-9S ड्रोन में से दो आर्मी के लिए, दो एयरफोर्स के लिए तथा दो नेवी के लिए होगा। साथ ही भारत ने इजराइल से उसके हीरोन ड्रोन के संचार लिंक को भी अपग्रेड करने के लिए कहा है। हीरोन में सैटेलाइट लिंक की कमी के कारण दो हीरोन ड्रोन को एक साथ उड़ाया जाता है, जिससे सूचनाओं को मिलिट्री बेस तक पहुंचाया जा सके। इसमें एक ड्रोन की रेंज ज़्यादा होती है। इस प्रक्रिया में सूचना को एक ड्रोन से दूसरे ड्रोन तक भेजा जाता है, उसके बाद दूसरा ड्रोन उसी सूचना को मिलिट्री कैंप तक भेजता है तथा अन्य 24 MQ-9B स्काई गार्जियन ड्रोन होंगे, जिनकी आपूर्ति अनुबंध के आधार पर अगले 3 सालों में की जाएगी। लद्दाख सीमा पर चीन के साथ तनाव के बीच पूर्व की स्थिति बनाए रखने के लिए भारत लगातार बातचीत कर रहा है, साथ ही किसी भी आपातकालीन परिस्थिति से निपटने के लिए लगातार हथियार और मिलिट्री हार्डवेयर भी खरीद रहा है। आप लोग मेरे चैनल डिफेंस वेव को जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। आइए अब इस MQ-9B स्काई गार्जियन ड्रोन के बारे में बात कर लें, जिसे भारत अपने तीनों सेनाओं के लिए खरीद रहा है। आपको बताते चलूं कि इस समय इस ड्रोन को अमेरिका, ब्रिटेन, इटली, फ्रांस आदि देश पहले से ही प्रयोग कर रहे हैं और अब भारत भी खरीद रहा है। यह स्काई गार्जियन ड्रोन MQ-9 सीरीज के अन्य किसी भी ड्रोन से बेहतर प्रदर्शन करता है एवं इसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत कम है और इसे किसी भी एयर स्पेस से प्रयोग किया जा सकता है। यह एक रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम है, अर्थात इस एयरक्राफ्ट को आप कहीं से भी ऑपरेट कर सकते हैं। यह नॉन सेग्रीगेटेड एयर स्पेस यानी कि गैर पृथक हवाई क्षेत्र में भी ऑपरेट कर सकता है। 2018 में यह ड्रोन मध्यम ऊंचाई पर उड़कर अटलांटिक महासागर को भी पार कर चुका है। इस स्काई गार्जियन ड्रोन को GPS और गैलीलियो सैटेलाइट सिस्टम से भी जोड़ा गया है एवं इस पर आकाशीय बिजली का भी प्रभाव नहीं पड़ता है। इस ड्रोन में ऑटोमेटिक लैंडिंग और टेक ऑफ की सुविधा भी उपलब्ध है। इस एयरक्राफ्ट में बेजोड़ सहन शक्ति है, क्योंकि 2017 में यह एयरक्राफ्ट 48 घंटे तक लगातार उड़ान भरा था। लगातार उड़ने की क्षमता ही इस ड्रोन को खुफिया जानकारी जुटाने, निगरानी रखने और सैनिक परीक्षण योग्य बनाने में सक्षम है। ऑल वेदर ड्रोन होने के कारण इसे दिन और रात में कभी भी एवं किसी भी मौसम में उड़ाया जा सकता है एवं किसी भी मौसम में अपने दुश्मनों पर सटीक निशाना लगाता है। MQ-9B स्काई गार्जियन ड्रोन में कोल्ड वेदर स्टार्ट इंजन लगा हुआ है,
जिससे इसे -41 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर भी ऑपरेट किया जा सकता है। अतः यह ड्रोन लद्दाख में सबसे उपयोगी साबित होगा, क्योंकि लद्दाख में भी सर्दियों में टेम्परेचर -40 डिग्री से नीचे चला जाता है, और ऐसे मौसम में इस ड्रोन को ऑपरेट करने में किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। इस ड्रोन की फ्यूल कैपेसिटी 2,721 किलोग्राम है, अतः अपने साथ यह एक बार में 2,721 किलोग्राम ईंधन लेकर उड़ सकता है। स्काई गार्जियन ड्रोन अधिकतम 40,000 फुट की ऊंचाई पर एवं अधिकतम 6,000 मील की रेंज में उड़ सकता है। इसमें फटीग और डैमेज प्रोटेक्शन एयर फ्रेम भी लगा हुआ है। यदि हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो इसमें जनरल एटॉमिक के लाइनक्स मल्टी मोड राडार एवं मल्टी मोड मैरीटाइम राडार का प्रयोग किया गया है। साथ ही इसमें ऑटोमेटेड आइडेंटिफिकेशन सिस्टम भी लगा हुआ है, के कारण यह अपने दुश्मनों को आसानी से पहचान लेता है और उन्हें अपना शिकार बना लेता है। इसमें सी बैंड लाइन ऑफ साइट डाटा लिंक कंट्रोल एवं KU बैंड बियॉन्ड लाइन ऑफ साइट सैटकॉम डाटा लिंक कंट्रोल का प्रयोग किया गया है। इसमें ट्रिपल रिडंडेंट फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम एवं कम्युनिकेशन रिले भी दिया हुआ है। इस ड्रोन की एक विशेषता यह भी है कि यह सेल्फ डिप्लॉयबल है। यदि हथियारों की बात की जाए तो यह पिन पॉइंट की एक्यूरेसी देता है, अर्थात निशाना अचूक और सटीक होता है। यह ड्रोन एयर टू सरफेस मिसाइल तथा लेजर गाइडेड बम से लैस है, और इसकी पेलोड क्षमता 2.5 टन है। यदि हम इसके नेवल वर्जन की बात करें तो इसके सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों को अपग्रेड किया गया है, तथा इसका प्रयोग हम एंटी सरफेस वारफेयर, एंटी सबमरीन वारफेयर एवं आपदा प्रबंधन में भी कर सकते हैं, और इसका प्रयोग समुद्री नौवहन सुरक्षा में भी किया जा सकता है। जैसे यदि कोई समुद्री लुटेरा किसी जहाज को लूटता है तो उस जहाज को बचाने में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। MQ-9 ड्रोन की कमियों के बारे में बात करते हुए चीनी विशेषज्ञों ने ग्लोबल टाइम्स से कहा कि यह चीन के लिए बड़ा खतरा नहीं है, क्योंकि यह स्टील्थ भी नहीं है और बहुत ही धीमी गति से उड़ता है, जिसके कारण इसे ग्राउंड टू एयर मिसाइल से आसानी से मार गिराया जा सकता है। उन्होंने यह भी बताया कि इस ड्रोन को अभी तक केवल उन्हीं देशों में तैनात किया गया था जिनके पास पर्याप्त एयर डिफेंस क्षमता नहीं थी, तथा इसे पहले ही बहुत से ऑपरेशनों में मार भी गिराया गया है। जैसे ईरान ने 2019 में US RQ-4 ग्लोबल हॉक ड्रोन को मार गिराया था। ऐसी ही और भी रोचक वीडियो के लिए देखते रहिए अपना पसंदीदा YouTube चैनल डिफेंस वेव। तो ठीक है, फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक खुश रहिए। थैंक यू।